लाइव झारखंड ब्रेकिंग स्वागत करता है अपने दर्शकों का। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक गोल्ड लोन, ब्लूम डेल, उदिया बगान, आईएसएम कुंदाग, एनआईपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरिज प्राइवेट लिमिटेड। सीसीएल के लाल लाडली कायाकल्प स्कॉलरशिप, मिशन इंजीनियरिंग 2022, कोचिंग आईआईटीएंस द्वारा, सारा खर्च सीसीएल द्वारा। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हमने यह कायाकल्प स्कॉलरशिप 12-13 में शुरू की थी, सफलता लगभग 100% है। बच्चे अप्लाई करें, कम से कम इंजीनियर अवश्य बने और एक अच्छा इंसान बने। विस्तृत जानकारी के लिए चेक करें हमारा वेबसाइट www.cclkelalandladli.in। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया विमर्श। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र के सीएम ने पीएम से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं 24/7 उपलब्ध हूँ। कोरोना वायरस पर कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी समय मुझे कोई सुझाव दे सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। कहा, सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हॉटस्पॉट को कर रही है चिन्हित। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कर रही है सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग और गिरिडीह के उपायुक्तों को खाद्यान्न आपूर्ति में हो रही गड़बड़ियों को दूर करने का दिया आदेश। कोरोना वायरस की जांच के लिए वॉक इन कियोस्क तैयार करेगी दिल्ली सरकार। अमेरिका में कोरोना से 40 भारतीयों की मौत, 1500 से अधिक पाए गए पॉजिटिव। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने हेमंत सोरेन सरकार से की मांग, सरकार उद्यमियों को दे सहायता। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायक फंड से इंफ्रारेड थर्मामीटर, पीपीई किट, कोरोना वायरस टेस्टिंग किट, आईसीयू वेंटिलेटर, फेस मास्क खरीदने के लिए दी इजाजत। मेरठ में पुलिस पर पथराव, इलाके में जमातियों के एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची थी पुलिस। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अस्पतालों के लिए दिया सैनिटाइजर टनल। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 60 सीटों वाला रेत आइसोलेशन वार्ड बनाया, होगी कहीं भी मूवमेंट। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, जान है तो जहान है। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। जनहित में जारी है।